पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं। अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मौलवी यकूब की तस्वीर मंजरे आम पर आ गई है। मौलवी मोहम्मद यकूब मुजाहिद की सोशल मीडिया से आने वाली तस्वीर तालिबान की जानिब से खुद जारी की गई है, जो रहनुमा अहमद उल्ला मुत्तकी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी की गई। जराए का बताना है कि इस तस्वीर में मौलवी यकूब अपने तालिबान साथियों के हमराह मौजूद हैं, जिन्हें अबूरी तौर पर वजीर दिफा का ओहदा दिया गया है। इसके अलावा वो अस्करी ऑपरेशन के सरबराह भी हैं। याद रहे कि सराजुद्दीन हकानी और मौलवी मोहम्मद यकूब अब तक मंजर से गायब थे। इन दोनों तालिबान रहनुमाओं की सिक्योरिटी का इस कदर ख्याल रखा गया था कि अमरीका समेत दुनिया के तमाम खुफिया इदारों के पास इनकी हालिया कोई शनाख्त या तस्वीर नहीं थी। मौलवी यकूब और सराजुद्दीन हकानी को तालिबान में बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। मौलवी यकूब के अलावा अहमदुल्ला मुत्तकी ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीरे आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अहमद की तस्वीर भी जारी की है। याद रहे कि तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अहमद को अफगानिस्तान का अबूरी वजीरे आज़म, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादरान और मौलवी अब्दुल सलाम खनफी को नायब वजीरे आज़म के ओहदे दिए गए हैं।